क्या समस्या? बोलिए बोलिए बोला इसमें बोलिए बिजली का बिल हमारा माफ कर दीजिए। अरे रोइए मत, रोइए मत, अपना बात बताइए। आपको क्या लग रहा है कि बिजली का जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है? इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, क्या है बिजली आपको? कौन काम है पैसा? कौन सा काम करते हैं घर पे? हम तो कोई काम नहीं करते। ये घर का बिजली का बिल है जी। दो साल पर डेढ़ साल पर बिल भेजता है, क्या करें? कहाँ से जमा करें? गरीब आदमी है, महीना में तो सब जमा कर। हेलो, अभी पश्चिम चंपारण से व्यक्ति आए मियां साहब, आप ये बिजली के का जो बिल आता है ये गलत आ रहा है बेचारे को, बहुत दिन से ही कह रहा है, हम देख रहे हैं, इसका कमाल है इतना ज्यादा का घर में इतना कर 42,821 फिर 53,181 89,000 क्या मतलब ऐसा 21 में अभी जब इसका बिजली बंद कर दी। पूरा दिखवाइए ना भाई, तक घर में है बेचारा, गरीब आदमी है कि घर में इतना बिल कैसे लग रहा है? देख लीजिए, देख लीजिए, पहले जो गड़बड़ होता था वही देखिए। अरुण मियां है, देख लिए? ठीक ठीक ठीक, आइए आइए ठीक। नमस्कार, बताइए क्या हुआ समस्या, बताइए सर। जैसे कि शौचालय का निर्माण हमसे वीडियो से करवाते हैं, इसमें कुछ पैसा दिए हैं, बाकी पैसा मांगने पर मतलब बदतमीजी करो, जान मारने के बराबर धमकी दे रहे हैं। शौचालय का निर्माण आप करवाए थे जी? हमारा शौचालय का निर्माण कराए तो उसके लिए जो देना चाहिए था भाई दे दिया गया जी। तो जो शौचालय का निर्माण कराए जी जी, तो उसके लिए जो आपको मिलना चाहिए था नहीं मिला है जी? नहीं सर, उसका बजाते कॉपी है, जो पैसा दिया हुआ है, वर्क ऑर्डर भी मेरे पास है, जिस पंचायत में हुआ वहाँ के लोग वार्ड मुखिया सभी लोग गवाह भी है। उससे पहले सर कोरोना काल में भी हमने काम किया था उनके साथ, लेकिन ये शौचालय निर्माण कराने के बाद कुछ पैसा जो दिया उसके बाद पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके साथ बदतमीजी दो दो तीन तीन बार घर आकर मैंने धमकी भी दिए हैं, घर मकान का वीडियो बना के कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। सर से निवेदन है कि थोड़ा सा देखे कृपा की जाए। मंत्री सर, हम मार्केट से सूद पर पैसा लेकर लगा हुए हैं। नहीं सर, साफ बात करेंगे सर। जी सर, साफ बात करेंगे सर। अरे देखिए आप लोग दोनों है ना, आई आए हैं रोहतास से जयशंकर प्रसाद, ये बेचारे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराए, समझ गए ना, ये इनको दे नहीं रहा, कुछ गड़बड़ किया ना। तत्काल का सारा चीज देख लीजिए, देख करके इमीडिएट एक्शन कर, पैसा पेमेंट होना चाहिए साहब। ठीक है।
प्रणाम सर। सर सर प्रणाम सर, मैं मोहम्मद यासिर हुसैन सर, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के रायपुर पंचायत के धुमनिया गांव से आया हूँ। जो मुख्य सड़क से हम लोग के गांव की दूरी 2 किलोमीटर है, अभी तक वो रास्ता नहीं बन पाया है और उसमें बालू खदान का ठेकेदार उसी कच्ची सड़क से बालू का आवागमन करता है, जिससे रास्ते गाँव के बीचों बीच जाता है, जिससे बच्चा के बरसात के मौसम में स्कूल जाने में, गर्भवती महिलाओं को लेके जाने में गाड़ी का जाना आना बंद कर देता है। और रास्ता अभी तक बार बार हम इससे पहले भी जनता दरबार के लिए किए थे, प्रशासन ने मुझे मना किया, बोला कि आश्वासन क्या है, नवंबर तक काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक अब को तो भी दर्शाया गया सर, देख लीजिए क्या। आप पहले भी आए क्या? नहीं सर, अगस्त में मैं डीएम सर ने मुझे मना कर दिया, बोला कि हम लोग काम करा देंगे नवम्बर तक। अच्छा, उसके बाद भी आश्वासन के बाद भी कुछ भी काम नहीं हो पाया है। ठीक, ग्रामीण कार्य वाले को लगा देखिए, सुननी तो कहिए रहा निकालते रहते। हेलो, अरे भाई, ये जो किशनगंज से आए तीनों का जो ग्रामीण सड़क है नहीं बना, पर 2 किलोमीटर का रास्ता ही लेकर के फोटो वगैरह सब आए, मिले थे तो डीएम ने सब लोगों ने कहा था कि बना देंगे, शुरू नहीं किया है। ग्रामीण कर्तव्य किशनगंज में आए हैं, ये यासिर हुसैन है, तुरंत देख लीजिए। सर, हम माधवपुर बथौनी पंचायत से आए सर, भागलपुर जिला से। हमारे यहाँ एक भी जन वितरण दुकान नहीं है सर, और जो कि 10 किलोमीटर दूरी जाकर के दुकान से लाना पड़ता है अनाज सर, बहुत कष्ट है। और मात्र एक ही डीलर था जो कि उसका देहांत हो गया है 1 साल लमसम पहले। अभी तक डीलर के लिए हम सर दिए थे सचिव महोदय को और हर जगह सर आवेदन दिए थे, डीएम को और एसडीओ साहब को, सर नहीं हुआ है। खाद्य उपभोक्ता वाले को लगा। हेलो, अरे भागलपुर से एक नौजवान आए, कह रहा है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो है राशन वितरण में अनियमितता का कर रहा है। उसका विक्रेता वाले का तो ठीक है, तो देख लीजिए, जल्दी करवाइए, ऐसा करता है तो एक्शन तो करना ही नहीं चाहिए। और सर शिक्षा का भी है सर, आवास योजना का मामला है, 20 वर्षों से क्रमशः लगे हुए मुखिया और संबंधित जो भी पदाधिकारी के संपर्क में, लेकिन आवास योजना नहीं मिला, अत्यंत गरीब परिवार से मिला। नगर पंचायत जो आवास योजना नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत है? भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या बताते हैं, मोटे तौर पे गरीब होने के कारण वो रिश्वत की मांग करते हैं और हम नहीं दे पाते, इसलिए 5,000-10,000 का ऐसा मामला है, जो आप दीजिएगा तो आपका नाम उसमें डलवा देंगे, यदि नहीं दीजिएगा तो नहीं डलवाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री, हेलो, अरे सहरसा से आए हैं संजय, ये कह रहे हैं कि आवास योजना इसका नहीं बन रहा, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, जरा देखिए थोड़ा, तो कहे नहीं कहे सर दिक्कत कर रहा है। ठीक ठीक ठीक, आइए।
जी सर, धर्मपुर से सिरसिया पर सर 24/8/2020 को सर हमको पुनर्निविदा के माध्यम से आवंटन हुआ सर। उसमें कार्यपालक के अंदर निर्देश दिए कन्या अभियंता और सहायक अभियंता को सर, कार्य किए सर, कार्य करके उसमें सारा जांच फल लिए सर, प्रयोगशाला से स्वतंत्र अभियंता से। जब भुगतान का बारी हुआ तो बोला सर इस रोड पर भुगतान पहले हो चुका है। हम बोले सर जब भुगतान हो चुका था फिर टेंडर कैसे निकाले सर, तो बोले ये आपका क्या है मतलब आप इस काम को किए हैं? जी सर, काम कर दिए, सारा जांच फल रिपोर्ट मेरे पास में है सर, जो गए हैं सारा जांच उस काम पूरा हो गया। जी सर, पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं सर, एमबीबी कह रहे हैं कि नहीं इस रोड पर पहले सर एक बार उसमें सर कलवा नदी जो है सर उस नहीं आया। ये सर साफ बात नहीं है। हेलो, अरे सहरसा से एक नौजवान आए सुरेश शाह, जरा देख लीजिए सुरेश शाह, ये कह रहा है कि नगर पंचायत वाला, यह सिमरी बख्तियारपुर का है, नगर पंचायत नहीं पंचायत में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य इसको करने का मिला था, ये कर दिया है, लेकिन इसका बाकी राशि का भुगतान नहीं कर रहा, पूरा देख लीजिए। ठीक आई जा रही हमारी के जिले राज्य में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? झारखंड से अभी का काम समस्या है कि सर 2007 में आपने हरसेल गोलो बाजार पे सभा को संबोधित करते हुए कहे हुए थे हरसेल घाट को सबसे पहले पुल बनाने के लिए, लेकिन इस विषय में आज तक सर कोई काम नहीं हुआ है, इस बारे में सोचा जाए तो उस समय से सर हमने अलग जगह को बोल दिया है। यदि चार में कह रहे हैं कि हम नहीं सर सात में है, वो मिस्टेक है, चार में कैसे लिखा है? 2007 में कट किया है उसको, पे नहीं नहीं मिला। चार में कहां से गए हो? 2007 करा के चक्कर जो भी हो क्या लगा उसको पथ निर्माण खत्म जिसे सामान। हेलो, अरे मुजफ्फरपुर से क्लिक किया है, हाँ ये कह रहा है कि मेरे बारे में बता रहा है, गलती से 2004 लिखा, कभी सभा में साथ में बोले थे करवा लिया। सर मेरा सर बिजली का कनेक्शन सर नहीं मिल रहा है सर, 5 साल से सर अप्लाई किए हुए हैं,
ये कहाँ पर नहीं मिल रहा आपका? ये बीनापुर गंज बाजार है, बीनापुर सर। चंद पारना है, रामिन मुस्तफा का है। जी जी, या चंद पारना लिख कर लगाओ जरा से ऊर्जा विभाग के। हम हेलो, अरे भाई मुजफ्फरपुर से एक व्यक्ति है, अभी कह रहे हैं मीनापुर का है, तो वहां पर विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है। संजीव कुमार, आखिरकार विद्युत कनेक्शन तो गांव के बारे में कह रहा है, तो देख लीजिए बात कर लीजिए। ठीक, मास्क हटा लीजिए। जयपुर जिला सकरा प्रखंड, वहाँ बुजुर्ग जात के रहने वाले हैं एक बार से। वहाँ जितने भी मुखिया काम किए हैं, जितने भी सब में गमन, कोई काम सही नहीं है। कोई पीसीसी नल जल योजना, कहीं पानी नहीं आ रहा है। और जितने भी आरटीए मांगे हैं सर, आज तक हमको नहीं मिला। नहीं तो क्या हुआ, पंच मैंने नल जल योजना गांव में नहीं पहुंचा है, घर में नहीं पहुंचा, पानी कहीं जा रहा, कहीं नहीं, आधा गांव मिल रहा, आधा गांव नहीं। पाइप सब हमेशा फटा रहता है, हमेशा फटा रहता है। मैंने उसको ठीक से देख नहीं, ठीक से पाइप ही गलत लगा। पंचायत के अंदर की बात है ना जी, पंचायत के अंदर की बात है, सब पंचायत के, सारा पंचायत के अंदर की बात है। इतना पीसीसी काम हुआ, सब जगह टूट गया। ये कौन पंचायत है? दुहा बुजुर्ग, दुहान बुजुर्ग, सकरा प्रखंड, पंचायती राज वाले बुजुर्ग। कितने बार आवेदन दिया है सर डीएम साहब, कोई ये नहीं लिया, ना बीडीओ साहब देते हैं, ना बात साहब बात। अरे भाई ये मुजफ्फरपुर से आए हैं, ये कह रहे हैं कि पंचायत में विकास कार्य में अनियमितता के साथ नली गली का जो है ना, नाली गली या पेज सब में प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है। जी समस्या ये है सर, हम बेरोजगार आदमी, हम कोई उद्यम करना चाहते हैं, इसके लिए हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के उद्यमी योजना का लाभ कहाँ नहीं दे रहा, तो एप्लीकेशन देना पड़ता है जी। तीन साल से हम 2020 में भी आवेदन किए, 21 में भी किए, 22 में भी किए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा सब कुछ अप टू डेट है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स एकदम सही ठीक ठाक है सर। और हमारा समय बहुत पार पड़ गया है सर, हम चाहते हैं कुछ करने के लिए, इसके लिए हमारा बहुत आग्रह है सर, हम पर कृपा किया जाए ताकि हम रोजी रोटी कर सकें। अभी पश्चिम चंपारण से आया एक व्यक्ति, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए अपना दिया है, लेकिन इसको नहीं दे रहा, लाभ नहीं मिल रहा है, जरा देख लीजिए कहा है नहीं पूरा, पूरी बात को देखिए। पश्चिम चंपारण से आए, ठीक है। समस्या समस्या नल जल का
सोनकर पंचायत से रामनगर प्रखंड के सोनकर पंचायत आज नंबर वार्ड से एक ही वार्ड में है। दो दो वार्ड से नल जल का काम करे हैं, उसी तरह पड़ा हुआ है, उसका कुछ तस्वीर भी लाए हैं और जी। हेलो, ये पश्चिम चंपारण से भी एक आए विश्वास, नल जल योजना का काम पूरा नहीं हुआ तो पश्चिम चंपारण में तो हम गए थे, कई जगह का शिकायत आया था, तो हम लोग बात तो किए थे, इसको कह रही नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। सर जिला से अपना टीम बना के सर, ठीक है ठीक करवा दीजिए। क्या समस्या है?